हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हो आप सब बढ़िया होगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं दीक्षा शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाई दीक्षा मैम पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इस चैनल पे मैं आपको जनरल साइंस की क्लासेस प्रोवाइड कर रही थी, जो कि इम्पोर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी, SSC, NTPC, CGL, CPO, ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जिसमें भी आप अपियर होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे मैं आपको बायो की सीक्वेंस मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी। केमिस्ट्री के कुछ एक टॉपिक्स हमारे हुए थे, फर्दर वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई थी केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स की, कुछ रीजंस की वजह से। तो उसी वीडियो को, उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस एक चीज और, आप लोग सभी जानते होंगे, जो भी स्टूडेंट CET की तैयारी कर रहे हैं, तो CET का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, डेट अनाउंस हो चुकी है, 5 और 6 नवंबर को एग्जाम की डेट एक्सपेक्टेड है। तो उसी बिहाफ पर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में कराने जा रही हूँ केमिस्ट्री का, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वो है गैस संबंधी नियम, लॉज रिलेटेड टू गैस। तो स्टूडेंट्स, क्या है, जैसे पिछले अगर प्रीवियस एग्जाम का हम ट्रेंड देखें तो वहां पर डायरेक्ट कुछ गैस लॉज पूछे गए हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के बीच में क्यों ना इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए, पढ़ाया जाए आप लोगों को टॉपिक। तो काफी इंपॉर्टेंट है गैस के जो लॉज है। गैस के अगर लॉज की हम बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट गैस के लॉज हैं। वन बाय वन मैं आपको पढ़ाऊंगी उनको, उनकी ट्रिक भी बताऊंगी, आपको एग्जाम में इजीली याद रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो लॉ है वो है बॉयल्स लॉ। आपने नाम भी सुने होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसेक लॉ, एवोगैड्रोज लॉ। तो इन सारे लॉज का आज हम डिस्कशन करेंगे, इनका एक एक्सप्रेशन एग्जाम में आता है, स्टेटमेंट आती है, वो आपको बताऊंगी। प्लस इन सभी लॉज को कंबाइंड अप करके आखिर में एक इक्वेशन बनती है, जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये आज की क्लास का अपना आज का कंटेंट रहेगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। समझते हैं पहला गैस का जो लॉ है, गैस का जो नियम है वो है बॉयल्स लॉ। समझना ध्यान से, बॉयल्स का नियम। इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, उनको हिंदी में समझने में दिक्कत आती है, हिंदी वालों को इंग्लिश में। तो आप कंटेंट की कंटेंट का इशू मत मानना, बाइलिंगुअल रहेगा कंटेंट। सबसे पहला जो नियम है वो है बॉयल्स का नियम, या फिर इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। लॉज पर जाने से पहले गैस से रिलेटेड कुछ एक वेरिएबल्स हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो इनके बीच में, इन सबके बीच में रिलेशन बताते हैं ये चारों नियम। तो समझना है आप लोगों को ध्यान से, वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो वेरिएबल है वो आपको याद रखना है प्रेशर। प्रेशर जिसको हम डिनोट करेंगे पी से, और इसको कहा जाता है दाब। प्रेशर का सिंबल हम यूज करेंगे पी, और इसको कहा जाता है दाब। दूसरा जो वेरिएबल रहेगा अपना, वो रहेगा वॉल्यूम, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में आयतन, और इसको हम डिनोट करने के लिए सिंबल यूज करेंगे वी। तीसरा जो वेरिएबल रहेगा वो रहेगा टेम्परेचर, जिसे हम बोलते हैं तापमान, और इसको हम डिनोट करेंगे सिंबल कैपिटल टी से। और एक चौथा वेरिएबल और ले लेते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, या फिर मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स या फिर मोल की संख्या, और इसको डिनोट कर देते हैं हम, सपोज इसका हमने सिंबल ले लिया है कैपिटल एम। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, 3-4 वेरिएबल यूज होंगे इन लॉज के अंदर। सबसे पहला जो बॉयल्स का नियम है, बॉयल्स का नियम क्या कहता है, समझना है आपको। बॉयल्स का नियम रिलेट करता है दो वेरिएबल को। एक चीज बता देती हूँ मैं आपको, ये जो चारों नियम है, चारों जो लॉज है, चौथा वेरिएबल है जो कि यूज होगा वो हम ले रहे हैं मोल की संख्या, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स या फिर मोल की संख्या को हम डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। तो ये चार वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। इन्हीं चारों को कहीं ना कहीं इनके बीच में रिलेशन बताएंगे ये चारों नियम। तो समझना है आपको वन बाय वन। सबसे पहले हम बॉयल्स का नियम लेके चल रहे हैं, बॉयल्स लॉ। तो सर, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ याद रखना है आपको, मेन जो वेरिएबल है वो तीन है, पी, वी और टी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट प्रेजेंट इसको नहीं ले रहे हम, तीन को ले रहे हैं, पी, वी और टी। तो जो बॉयल्स का नियम है वो दो के बीच रिलेशन बताएगा, और तीसरी क्वांटिटी कॉन्स्टेंट रहेगी।
तो देखिए बोयल्स लॉ में क्या किस किस के बीच में रिलेशन बताता है बोयल्स का नियम। बोयल्स का नियम बताता है रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। याद रखना है आपको बोयल्स लॉ क्वेश्चन आता है कि किस किस के बीच में संबंध दर्शाता है, तो आपको याद रखना है बोयल्स लॉ संबंध दर्शाता है किस किस के बीच में, दाब और आयतन के बीच में, जिसे हम कहते हैं प्रेशर एंड वॉल्यूम। अभी मैंने आपको कहा था प्रेशर या दाब का सिंबल हम पी ले रहे हैं, आयतन का सिंबल वी ले रहे हैं। कैसे रिलेशन बताता है, ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, याद रखना है आपको यदि तापमान स्थिर रहता है, स्थिर तापमान पर, समझना है आपको पहले तो स्टेटमेंट, स्थिर तापमान पर गैसों का जो दाब है, गैसों का जो प्रेशर है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर मैं इंग्लिश में कहूं तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आपको याद रखना है दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन जब होगा तो तीसरा वेरिएबल कांस्टेंट हो जाएगा। तो दो वेरिएबल प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताता है बोयल्स का नियम। क्या कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप जानते होंगे कि अगर एक चीज घटती है तो दूसरी घटती है। कहने का मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा ये इसका जो एक एग्जाम्पल है डेली लाइफ का, यदि मैं वो आपसे डिस्कस करूं, जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो बैलून्स वगैरह हैं, गुब्बारे वगैरह हैं, वो थोड़ी सी ऊंचाई पर जाने के बाद क्या हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि आपको पता है ऊंचाई पर जाने पर दाब जो है, प्रेशर जो है उसमें कमी आती है। प्रेशर जब कम होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, इसलिए गुब्बारे वगैरह फट जाते हैं। तो याद रखना है आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताता है बोयल्स का नियम। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर वॉल्यूम के, और जब प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन है तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। इसी चीज को मैं लिख सकती हूँ पी इज इक्वल टू, अब आप एक चीज जानते होंगे प्रोपोर्शनल के साइन को जब आप बराबर से बदलते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है, वो कॉन्स्टेंट यहाँ पर मैंने के ले लिया या कुछ भी आप मान सकते हो, वो कॉन्स्टेंट मैंने सिंपल दिखा दिया कॉन्स्टेंट लिख के ही, तो डिवाइडेड बाय वी, तो यहां से अपने पास इक्वेशन क्या बन जाती है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये अपने पास है कौन सा नियम, याद रखना है आपको बोयल्स का नियम। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन में बना सकती हूँ पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू। आपको न्यूमेरिकल में क्या दे रखा होगा, इन चारों में से तीन वेरिएबल दे रखे होंगे और आपको चौथा पूछ लिया जाएगा, तो इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है। आई होप आपको बोयल्स का नियम समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम है गैस का, बोयल्स तो हमने पढ़ लिया, अब दूसरा नियम हम पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम समझना ध्यान से, क्या कहता है, जैसे बोयल्स नियम ने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताया था, याद रखना है आपको चार्ल्स का नियम अगले दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताएगा, किस किस के बीच में, आयतन और तापमान के बीच में, या फिर मैं कह सकती हूँ वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। अब मैंने आपको कहा जब दो चीजों के बीच में रिलेशन बताएगा कोई भी नियम तो तीसरा वेरिएबल अपने आप कॉन्स्टेंट रहेगा, तो कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, दाब कॉन्स्टेंट रहेगा। तो चार्ल्स का नियम क्या कहेगा, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब का मतलब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर या फिर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो आयतन है वो तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्थिर दाब पर गैसों का आयतन, याद रखना है आपको दाब तो क्योंकि हमने स्थिर ले लिया, गैसों का आयतन तापमान के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज बढ़े तो दूसरी घटे। स्थिर दाब पर गैसों का आयतन तापमान के समानुपाती होता है। यदि मैं इसको इंग्लिश में कहूं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको हम वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। याद रखना है आपको जब दो चीजों के बीच में रिलेशन बताया जाएगा तो तीसरी चीज अपने आप कॉन्स्टेंट रहेगी।
तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, वही काम करेंगे हम। प्रोपोर्शनल का साइन जब बराबर से बदलेंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो v इज इक्वल टू के टी, या फिर सिंपली कह सकते हैं अपन v1, यहां से अगर मैं इसको नीचे ले आऊं v by t इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं v1 अपॉन में t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2, ये चीज रहेगी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये अपने पास है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम आपको याद रखना है किस किस के बीच में रिलेशन बताता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये था अपना चार्ल्स का नियम। बढ़ते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम गैस संबंधी जो है वो आपको याद रखना है, गे लुसेक का जो नियम है, गे लुसेक लो क्या कहता है समझना है आपको। जैसे बॉयल्स लो ने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताया, चार्ल्स लो ने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, तो अब आपको याद रखना है जो तीसरा नियम है गे लुसेक लो है, वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताएगा। प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन जब बताएगा तो आपको मैंने बता दिया कि जो तीसरा वेरिएबल है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब अब और इस लो में कौन सा अपना वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा, वो आयतन। तो क्या कहता है गे लुसेक लो, स्थिर आयतन पर या फिर मैं इंग्लिश में कहूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर गैसों का दाब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तापमान के समानुपाती होता है। पहले तो आपको स्टेटमेंट समझनी है, देन आपको एक्सप्रेशन याद रखना है। किसी भी नियम यदि आपसे पूछा जाए गैस से संबंधित, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर याद रखना है आपको दाब मतलब प्रेशर और तापमान टेम्परेचर, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो तीसरा वेरिएबल क्या हो जाएगा कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम याद रखना है आपको। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये गे लुसेक लो का है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये अपना था गे लुसेक लो। तो मैं रिकॉल करा देती हूँ आपको, जो बॉयल्स लो है, बॉयल्स लो गे बॉयल्स लो के बाद हमने चार्ल्स लो पढ़ा, फिर हमने पढ़ा गे लुसेक लो। तो देखिए कैसे याद रखोगे आप इनको, अल्फाबेटिकली याद रखोगे बी सी जी, ट्रिक से बता रही हूँ, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, गे लुसेक लो। बॉयल्स लो में किस किस के बीच में रिलेशन आया, इनको भी आप सिक्वेंस में याद रखो, पी वी टी लिख दो, पी वी टी, पी वी टी के बाद आप क्या करो, पी और वी के बीच में रिलेशन देगा बॉयल्स लो, फिर अगला वी और टी के बीच में रिलेशन देगा चार्ल्स लो, और जो गे लुसेक लो है वो क्या करेगा पी और टी के बीच में। तो बॉयल्स लो ने किस किस के बीच में रिलेशन बताया, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, कैसा होता है याद रखना है आपको इनवर्सली। चार्ल्स लो ने किस किस के बीच में रिलेशन बताया, अगले दो वेरिएबल उठा लो वी और टी, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन डायरेक्टली, और गे लुसेक लो क्या करेगा पी और टी के बीच में रिलेशन, वो भी कैसा डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब एक चीज घटेगी तो दूसरी घटेगी। सीक्वेंस में याद रखना है, अल्फाबेटिकली आते हैं ये, पहले बी, बी से बॉयल्स लो, सी से चार्ल्स लो, जी से गे लुसेक लो, फिर आप याद रखो इनको सीक्वेंस में पी वी टी, पहला पी और बी के बीच में इनवर्सली, फिर बी और टी के बीच में डायरेक्टली, फिर पी और टी के बीच में अगेन डायरेक्टली, और जब दो चीजों के बीच में रिलेशन रहेगा तो तीसरी चीज अपने आप कांस्टेंट रहेगी। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है तो कांस्टेंट कौन रहेगा याद रखना है आपको, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पर कांस्टेंट कौन रहेगा वी और टी के बीच में है तो एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पर पी और टी के बीच में है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मैंने आपको सीक्वेंस ट्रिक से भी बता दिया है ताकि आपको अगर एग्जाम में आता है ये तो आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब हम पढ़ेंगे एवोगैड्रो लॉ। चौथा जो नियम है गैस संबंधी वो आपको याद रखना है एवोगैड्रो का नियम, या फिर इंग्लिश में इसे कह सकते हैं हम एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है याद रखना है स्टूडेंट्स आपको, ये कहता है
जैसे अभी तक तो एक एक वेरिएबल कांस्टेंट आ रहा था, ये दो वेरिएबल को कांस्टेंट लेकर चलेगा। किस किस को याद रखना है आपको? प्रेशर और टेम्परेचर को याद रखना है आपको। कि स्थिर प्रेशर को हम कह रहे हैं दाब और तापमान को कह रहे हैं, टेम्परेचर को हम कह रहे हैं तापमान। स्थिर दाब तथा स्थिर तापमान पर गैसों का जो आयतन है, गैसों का जो वॉल्यूम है, गैसों का आयतन या फिर गैसों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स कंटेन करता है। कहने का मतलब क्या है? एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर जो n है वो आपको याद रखना है। n क्या शो कर रहा है? यहाँ पर मैंने आपको शो भी कर रखे हैं, n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को, मोलों की संख्या को। तो याद रखना है आपको क्या कहता है, ये दो क्वांटिटीज को कांस्टेंट लेकर चलता है, दाब को, दाब मतलब प्रेशर, और तापमान जिसको हम कह रहे हैं टेम्परेचर। तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contains equal number of moles, मतलब गैसों के एक निश्चित आयतन में निश्चित मोलों की संख्या होगी, ये हमें बताता है Avogadro's law। तो अभी तक हमने जो ये चारों laws पढ़े हैं इनको हम combine कर देंगे और एक equation निकल आती है उसे ideal gas equation। गैस संबंधी चारों नियम पढ़ने के बाद अब हम मूव ऑन करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ। तो स्टूडेंट जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो दो लॉज अभी तक जो हमने पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ और गे लुसेक लॉ, उन दोनों को कंबाइन अप करने पर ही बन जाएगी। तो बॉयल्स लॉ हमने अभी क्या पढ़ा था? बॉयल्स लॉ हमने अभी पढ़ा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये अभी हमने पढ़ लिया है। और जो गे लुसेक लॉ है, चार स्लो नहीं पढ़ रहे अभी बीच में, गे लुसेक लो, गे लुसेक लो आपको ध्यान होगा किस किस को रिलेट करता है, प्रेशर और टेम्परेचर को, और कैसे करता है डायरेक्टली। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन उसने दिया डायरेक्टली। अब ये इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू, यदि इन दोनों इक्वेशन को मैं कंबाइन कर देती हूं, इक्वेशन दोनों जो हमने पढ़ी ऊपर, इन दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन कर दिया ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो आपको दिख ही रहा होगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख सकती हूँ T बाय V के, मतलब तो वही रहेगा कि टेम्परेचर के प्रेशर डायरेक्टली होगा और वॉल्यूम के इन्वर्सली होगा। अब आप एक चीज जानते ही होंगे, प्रोपोर्शनल का साइन जब हम बराबर से बदलेंगे तो एक कॉन्स्टेंट आता है, वो कॉन्स्टेंट यहाँ पर है स्टूडेंट्स R। तो इस R जो कॉन्स्टेंट है इसको कहा जाता है गैस कॉन्स्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर को कहा जाता है गैस कॉन्स्टेंट। और गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है, गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है याद रखना आपको, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपको याद रखना है गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब यहां से मैं बी को इस साइड ले जाती हूं तो पी वी इज इक्वल टू आ जाता है आर टी। तो ये इक्वेशन वैलिड है अपने पास कब? जब ये नंबर ऑफ मोल्स अपने पास वन हो। और फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स यदि मुझे लेने हैं, फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स यदि अपने पास गैस के एन नंबर ऑफ मोल्स हो तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहां पर n क्या होगा, n होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। तो ये अपने पास pv इज इक्वल टू nRT निकल कर आ जाती है आइडियल गैस इक्वेशन। इसी को ही स्टूडेंट्स कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको आप कहते हो आदर्श गैस समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो वो आप बताओगे pv इज इक्वल टू nRT। p प्रेशर है, v वॉल्यूम है, n नंबर ऑफ मोल्स है, r गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और t यहाँ पर टेम्परेचर है। तो ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ा गैस संबंधी चारों नियमों के बारे में और आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का कंटेंट समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो सर ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और भी आपके लिए ऐसे बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो
उम्मीद करती हूँ आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लस जो एग्जाम की डेट है 5 और 6 नवंबर को जो सीटी का एग्जाम होना है उसके रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।